हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन सेफ स्कोर 2024 के बारे में। बेटा, एक क्या टारगेट परसेंटाइल होना चाहिए या क्या एक टारगेट स्कोर होना चाहिए अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूट या डिजायर्ड ब्रांच में एडमिशन सिक्योर करने के लिए, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। बेटा, इफ वी टॉक अबाउट जेईई मेन सेफ स्कोर और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो डिफरेंट फैक्टर्स इस चीज को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जाम। बेटा, अगर पेपर आपका इजी आ रहा है तो कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। वाइस वर्सा, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ वुड लाइकली टू बी गो लोअर। सेकेंडली, वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। तो बेटा, अगर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अपेयर कर रहे हैं तो जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस होते हैं। वाइस वर्सा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है देन कट ऑफ जो है वो लो जाती है। लास्टली, वी टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। तो बेटा, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं करंट ईयर के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को डिटरमाइन करने में। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जाम इन डिटेल, तो जो हमने लास्ट 5 ईयर्स के डेटा को एनालाइज किया है, तो हमने 2024 में एक एक्सपेक्टेड लेवल क्या रहने वाला है एग्जाम का, उसे डिसाइड किया है कि फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में पेपर इजी रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। तो बेटा, जो फिजिक्स की अगर हम बात की जाए तो 2019 में हमें फिजिक्स का लेवल डिफिकल्ट देखने को मिला। 2020 इट वॉज डिफिकल्ट लेवल। 2021 में बेटा जो एग्जाम लेवल था वो हमें इजी ही देखने को मिला। 22 में इट वॉज मॉडरेट, 23 में इजी, देन 24 में जो हम एक पेपर लेवल को एक्सपेक्ट रख के चल रहे हैं दैट कैन बी ऑफ मॉडरेट लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में इस साल जो है वो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है बेटा और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं तो जो केमिस्ट्री का लेवल था वो हमें इजी देखने को मिला। 2020 वाज इजी। 21 की अगर बात करें बेटा तो मॉडरेट था पेपर आपका। 22 मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 23 अगेन इजी टू मॉडरेट। तो जो 24 में एक एक्सपेक्टेड लेवल रहने वाला है एग्जाम का, दैट माइट बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट मैथ सब्जेक्ट, तो मैथ्स में बेटा लास्ट 5 ईयर्स से हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो मैथ्स का पेपर है वो हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो 2019 की अगर हम बात करें बेटा तो जो मैथ्स का लेवल था दैट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। 20 में इट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ऐसे ही टिल 2023 हमें मैथ्स का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला। तो 2024 में भी हम सेम लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल हम बात करें तो जो फिजिक्स का लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है, केमिस्ट्री में मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड मैथ्स में भी सेम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। और बेटा, अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ओवरऑल पेपर हमें इस साल मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन जेईई मेन, तो 2018 में बेटा 10.4 लाख स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर जेईई मेन सेशंस। इन 2019 इट वाज 11.4 लाख, इन 2020 इट वाज 10.2 लाख, 21 में 9.3 लाख स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर जेईई मेन्स, इन 2022 इट वाज 9.05 लाख, इन 2023 स्टूडेंट्स इट वाज 11.1 लाख एंड इन 2024 इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट जनवरी सेशन बेटा, तो ऑलरेडी 12.5 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर जनवरी सेशन। एंड ओवरऑल बात की जाए तो अप्रैल सेशन को इंक्लूड करके अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अपेयरिंग फॉर बोथ द सेशंस फॉर जेईई मेन 2024, विच मीन्स बेटा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है दैट जो कॉम्पिटिशन लेवल होगा वो भी हमें टफ देखने को मिल सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट दैट वॉट विल बी द सेफ स्कोर फॉर जेईई मेन 2024, तो बेटा यहाँ पे हमने आपको एक एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिया हुआ है। बेटा फर्स्टली, वी इफ वी टॉक अबाउट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो ये कभी भी स्टैटिक या फिक्स नहीं रहता है। इट माइट गेट चेंज्ड ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। जैसे कि हम इस साल देख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं, ऑन दी अदर हैंड जो नंबर ऑफ शिफ्ट हैं वो डिक्रीज हुई हैं, विच मीन्स पर शिफ्ट में बैठने वाले बच्चे इंक्रीज होंगे।
तो बेटा अगर हम बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो जो भी बच्चे 80 to 94 मार्क्स रेंज में कहीं स्कोर कर रहे हैं, दे आर लाइकली टू गेट 90 परसेंटाइल। फॉर 95 टू 100 मार्क्स, दे आर लाइकली टू गेट 91 परसेंटाइल। दो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 105 टू 115 मार्क्स, दे आर लाइकली टू गेट 92 परसेंटाइल। फॉर 116 टू 124 मार्क्स, 93 परसेंटाइल। फॉर 125 टू 130 मार्क्स बेटा, 94 परसेंटाइल। 132 टू 136 मार्क्स, 95 परसेंटाइल। 140 टू 140 मार्क्स, 96 परसेंटाइल। 146 टू अराउंड 150 मार्क्स, 97 परसेंटाइल। 155 टू 160 मार्क्स, 98 परसेंटाइल। 175 टू 190 मार्क्स, 99 परसेंटाइल। 200 to 215 marks, 99.5 percentile. And beta, finally, if you score somewhere between 250 to 270 plus marks, you are likely to get 100 percentile. तो बेटा आज ही आपको अपने टारगेट स्कोर को एक पेपर पर लिख कर अपने सेल्फ स्टडी प्लेस पे स्टिक करना है। हर रोज उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, और बेटा मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है। एलन डिजिटल के टीचर्स बेटा जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते हैं उसे आपको फॉलो करना है, सो दैट आप अपना जो एडमिशन है डिजायर्ड कॉलेज में या डिजायर्ड ब्रांच में सिक्योर कर पाएं। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी हैव अटैच द गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट मेंशन इट ओवर देयर एंड फॉर श्योर वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you.